हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं पार्ट 6 के अंदर और ये एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन क्लास 9 CBSE NCERT कोर्स। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट पे चलेंगे। वैसे भी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ लंबी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पार्ट 6 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। बारी बारी से सारे क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, गारंटी है हमारी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्स प्लस 4 प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस 10। ये क्वेश्चंस बिल्कुल ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई को मैच कर रहा है, जिसमें ए की वैल्यू एक्स, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10 बन रही है। ठीक है, आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, उस फॉर्मूला को क्या करिए, क्वेश्चन के साथ मैच कराइए। तो आपको a, x और y की वैल्यू क्या लेनी है आपको मालूम में आ जाएगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a प्लस एक्स और a प्लस वाई है, तो यहाँ पे a प्लस एक्स और a प्लस वाई, इसलिए y की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, राइट। तो वैसे a प्लस एक्स और a प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई ए प्लस एक्स वाई। तो यहां पे हमने देखा, अब जहां पे a होगा वहां पे x, x होगा वहां पे 4 और y की जगह पे 10 रखेंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है, इसके बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स थी, 4 प्लस 10 ए की वैल्यू एक्स प्लस 4 इंटू 10, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14 एक्स प्लस 40, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x प्लस 8 और x माइनस 10 है, a प्लस एक्स ए प्लस वाई, तो ये a हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। y की वैल्यू हम माइनस में लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। तो वैल्यू रखेंगे हम 8 माइनस 10 x प्लस 8 इंटू माइनस 10, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 गया तो माइनस 2x प्लस माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, a प्लस एक्स ए प्लस वाई, मगर y की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, माइनस 5 लेने वाले हैं। तो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, इसका a की वैल्यू थी 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। अब 3x स्क्वायर का हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया तो माइनस 1 इंटू 3x प्लस 4 9 जा 4 5 जा 20, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट देखो, प्लस की और माइनस की साइन का डिफरेंस है, बाकी देखो वाई स्क्वायर 3/2, वाई स्क्वायर 3/2, बिल्कुल a प्लस बी ए माइनस बी की तरह दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर और b की वैल्यू बनेगी 3/2। तो यहां पे रख लेते हैं हम ए की वैल्यू वाई स्क्वायर थी माइनस बी की वैल्यू 3/2 थी,
y रेस टू 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू y रेस टू 4 माइनस 3 की पावर 2 9 फोर 2 की पावर 2 4। ये आपका आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ओके चलिए नेक्स्ट। यहां पे बस प्लस माइनस का डिफरेंस है 3 और 2x 3 और 2x, मतलब बिल्कुल ये a माइनस बी ए प्लस बी की तरह दिख रहे हैं, जिसमें a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू 2x दिया हुआ है। तो हम वैल्यू रखेंगे माइनस 3 3 9 माइनस 4x2। ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो 2 रेस टू 2 4 x2 इज इक्वल टू x2। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट देखिए, मैंने 103 इंटू 107 को मल्टीप्लाई कराना है, तो 103 है उसको मैंने लिख दिया 100 प्लस 3 और 107 को लिख दिया मैंने 100 प्लस 7। ये बिल्कुल a प्लस एक्स और a प्लस वाई की तरह दिख रहा है, जिसमें a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 बन रही है। तो हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 100 प्लस एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 7। 100 का स्क्वायर 10,000, 10 इंटू 100 21, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 प्लस 0, अब थर्ड नंबर में तो कोई नंबर नहीं है तो 0 प्लस 0 0, फोर्थ नंबर में 1 प्लस 0 1 और फिफ्थ नंबर में ये। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओके गुड। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ रहा है मगर साइन माइनस की साइन है। 95 इंटू 96 था तो मैंने 100 माइनस 5 लिख दिया और 100 माइनस 4 लिख दिया, तो ये हो गया आपका a प्लस एक्स और a प्लस 5। यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 4 में आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 5 में आ जाएगी, और x की वैल्यू a की वैल्यू है वो 100 रहेगी। ठीक है, a प्लस एक्स a प्लस वाई, तो मैं लिख लेता हूँ यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू माइनस 5 माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस माइनस 9 इंटू 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 फोर जा 20। 10,000 प्लस 20 माइनस 900। ओके पहले हम प्लस करा लेते हैं, माइनस 900। टेन नाइन जीरो, तो ये आपका आंसर हुआ 9120। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे 104 इंटू 96 है, तो 104 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 4 और 96 को लिख दिया मैंने 100 माइनस 4। ठीक है, ये देखो प्लस और माइनस की साइन का चेंज आ रहा है, बाकी 100 और 4 100 और 4 बिल्कुल ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे a की वैल्यू क्या थी 100 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। टेन नाइन
नाइन और ये नाइन और ये जीरो हो जाएगा, फोर एट नाइन नाइन, तो नाइन नाइन एट फोर ये आपका आंसर हुआ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है मगर आपको थोड़ा सा एलजेब्रा आना चाहिए तो आप कर लोगे। ये देखो, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो मैं क्लिप लगा लेता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्वेश्चन को देखने के बाद ए की वैल्यू बनती है 3x और बी की वैल्यू बनती है y, ठीक है, हम रख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 3x थी और y की बी की वैल्यू y थी, पूरे का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से क्या आया था 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल देखिए, ये क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, जिसमें ए की वैल्यू टू आई बनती है और बी की वैल्यू वन बनती है। यहां से आपको ए मिलता है और यहां से आपको बी मिलता है, ठीक है। तो रख लेते हैं हम वैल्यू, स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू टू आई, बी की वैल्यू वन प्लस वन रेस टू, यहां पे ए की वैल्यू टू आई थी माइनस है माइनस, बी की वैल्यू वन स्क्वायर। देखो यहां पे माइनस आएगा तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और देखो यहाँ पे प्लस था इसलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4y प्लस 1। देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह आ रहा है, और आपको इज इक्वल टू से राइट हैंड साइड में क्या मिला था 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगर आप 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 को फैक्टराइज कराओगे तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर मिलेगा, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको हम नए वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 7 में क्वेश्चन चेंज हो रहा है इसीलिए। यहां पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, जिसमें एक्स की ए की वैल्यू बनती है एक्स और बी की वैल्यू बनती है वाई बाय 10। अगर आप 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको एक्स मिलेगा, और ये बिल्कुल देखो किसकी तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, जिसका आंसर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक्स थी, बी की वैल्यू वाई बाय 10, और ए की वैल्यू एक्स थी, बी की वैल्यू वाई बाय 10, तो ये आपका आंसर हुआ। दिखने में आपको क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं मगर ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, तो फॉर्मूले आप याद रखने से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी हम आपको पार्ट 7 में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर कंटिन्यू करेंगे, एक्सपांड यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स उठाए हैं, सारा सिलेबस ऑनलाइन किया है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके ग्रुप्स में आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो रिसोर्स है, ये जो ऑनलाइन कंटेंट है, वो सबको मिले और सब बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।